नमस्कार दोस्तों, आज हम श्रृंखला की शुरुआत कर रहे हैं उद्घोष। उद्घोष श्रृंखला की शुरुआत दोस्तों, ये श्रृंखला जो है मैथमेटिक्स की श्रृंखला है और इस मैथमेटिक्स की श्रृंखला के अंदर हम आपको सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट कराने वाले हैं। जितने भी चैप्टर्स मैथमेटिक्स से पूछे जाते हैं दोस्तों, हम इसमें क्या क्या करवाएंगे, सबसे पहले हम देखेंगे बेसिक्स देखेंगे, फिर इसके बाद हम कॉन्सेप्ट, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सारे कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर इसके बाद हम देखेंगे ट्रिक्स, जो शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं आजकल के कंपटीशन में, क्योंकि बिना ट्रिक्स के आप कम समय में क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। और हम देखेंगे किस तरीके से कॉन्सेप्ट से ही ट्रिक्स निकलती हैं, क्योंकि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो फिर ट्रिक्स आपके फिंगर पॉइंट पर होगी। इसके बाद दोस्तों, ट्रिक्स के बाद हम क्या देखेंगे, प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट बहुत जरूरी है, हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों, प्रैक्टिस सेट में हम क्या करेंगे, दो टाइप के, एक तो हम देखेंगे प्रीवियस ईयर PYQ और दूसरे हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट्स, मल्टीपल सेम कॉन्सेप्ट पे मल्टीपल क्वेश्चंस। तो हमारे यही तरीका रहेगा मैथमेटिक्स के सिलेबस को पूरा करने का, सबसे पहले हम देखेंगे बेसिक्स, फिर इसके बाद हम कॉन्सेप्ट को देखेंगे, कॉन्सेप्ट के बाद हम देखेंगे कॉन्सेप्ट से ही ट्रिक कैसे निकलती है, फिर इसके बाद हम प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। प्रैक्टिस सेट में हम दो टाइप के प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाएंगे, चाहे वह SSC के क्वेश्चन हो, चाहे रेलवे के हों, बैंकिंग के हों, या UP पुलिस के हों, किसी भी, चाहे वो UPSC CSET के क्वेश्चन हो या UPPCS CSET के क्वेश्चन हो। तो और दूसरा रहेगा जिसमें सेम कॉन्सेप्ट में मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तो दोस्तों, इसके थ्रू हम जाएंगे। तो हमने इसी श्रृंखला का नाम रखा है उद्घोष मैथमेटिक्स की श्रृंखला है। अब आइए दोस्तों, बताते हैं कि हम इस उद्घोष श्रृंखला के तहत कौन कौन से मैथमेटिक्स के चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम मैथमेटिक्स की श्रृंखला में संख्या पद्धति, संख्या पद्धति चैप्टर जिसमें हम A to Z। तो दोस्तों, हम उसी मेथड के थ्रू संख्या पद्धति को महत्तम समापवर्तक और तथा लघुतम समापवर्तक अर्थात LCM और HCF को देखेंगे, फिर हम फ्रैक्शन भिन्नों को देखेंगे, सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन देखेंगे, वर्गमूल तथा घनमूल को देखेंगे और एवरेज को देखेंगे, संख्याओं पर आधारित क्वेश्चंस देखेंगे, फिर आयु से संबंधित प्रॉब्लम्स देखेंगे, फिर इसके बाद हम परसेंटेज प्रतिशतता देखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे, लाभ तथा हानि, फिर अनुपात तथा समानुपात क्लियर करेंगे, फिर इसके बाद टाइम एंड वर्क समय तथा कार्य, पाइप एंड सिस्टर्न देखेंगे, पाइप तथा टंकी से संबंधित प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, फिर हम देखेंगे टाइम एंड डिस्टेंस समय तथा दूरी। इसके बाद दोस्तों, हम ट्रेन से संबंधित प्रॉब्लम्स देखेंगे, फिर इसके बाद धारा तथा नाव और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज को देखेंगे, फिर हम क्षेत्रफल एरिया, चाहे वह सर्किल का हो, ट्राइंगल का हो या क्वाड्रिलेटरल का हो, हम सबका क्षेत्रफल देखेंगे, और फिर हम देखेंगे मिक्सचर, जो मिक्सचर से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, ये 20 चैप्टर्स मैथ में हम A to Z सब कुछ कराने वाले हैं इस मैथमेटिक्स की श्रृंखला के अंदर, जिसका नाम हमने रखा है उद्घोष। आइए दोस्तों, तो हमारा पहला चैप्टर है उद्घोष श्रृंखला का, पहला चैप्टर है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे स्थानीय मान प्लेस वैल्यू, और हम पढ़ेंगे अंकित मान फेस वैल्यू, फिर इसके बाद हम विभाज्यता के नियम देखेंगे, अर्थात कौन से नंबर 2 से 3 से 4 से 5 6 7 8 9 और 11, इनसे विभाजित हो, ये नंबर किन किन नंबरों को विभाजित करेंगे, इनकी ट्रिक्स भी देखेंगे, विभाज्यता के नियम देखेंगे, और हम संख्याओं के प्रकार टाइप्स ऑफ नंबर जिसमें सम संख्या, विषम संख्या, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, अभाज्य संख्या जैसी तमाम संख्याओं के प्रकार देखेंगे, इकाई का अंक, कई बार आपको बहुत सारे नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन दे दिया जाता है, उनकी पावर्स दे दी जाती है और पूछता है इस संख्या का इकाई का अंक क्या होगा, तो हम इनके भी टाइप्स देखेंगे, भाज्य भाजक भागफल और शेषफल, इनसे भी कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, हम ये देखेंगे। और इसके बाद दोस्तों, फिर हम देखेंगे समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, AP और GP को देखेंगे, महत्वपूर्ण तथ्य इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में हम क्या देखेंगे, n नेचुरल नंबर का सम क्या होगा,
एन नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम क्या होगा, एन नेचुरल नंबर के क्यूब्स का सम क्या होगा, जैसे तमाम इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद हम प्रैक्टिस सेट देखेंगे जिसमें हम 200 महत्वपूर्ण क्वेश्चन और PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी कवर करेंगे। तो आइए दोस्तों, पहला टॉपिक है हमारा स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू को देखते हैं। प्लेस वैल्यू क्या होता है, सबसे पहले हम देखते हैं प्लेस वैल्यू। इसको हिंदी में स्थानीय मान कहते हैं, स्थानीय मान। अगर दोस्तों आपने एक संख्या लिखी 523,568, ये एक संख्या लिखी, अगर कोई आपसे पूछ दे कि इस दो का स्थानीय मान अर्थात प्लेस वैल्यू क्या होगी, अगर दोस्तों आपसे कोई पूछ दे कि इस दो की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो इस दो की प्लेस वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो नंबर है इसको नोट करना पड़ेगा। फिर इसके बाद ये देखिए इस नंबर की पोजीशन क्या है, पोजीशन निकालने के लिए आप हमेशा देखेंगे कि आप जो राइट हैंड साइड से काउंट करेंगे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, ये 10,000वीं पोजीशन पे है, तो आप इस दो को 10,000 से कर दीजिए मल्टीप्लाई, आपको मिल जाएगा 20,000। 20,000 जो है वो इस दो की प्लेस वैल्यू स्थानीय मान है। वहीं आपसे अगर कोई पूछे 5 का स्थानीय मान क्या होगा, तो ये नंबर उठाइए 5 और इसको किससे गुणा करना है, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा मतलब 100 से गुणा करना है, बराबर 500 जो है इस 5 का प्लेस वैल्यू स्थानीय मान होगा। अगर दोस्तों ये इकाई दहाई सैकड़ा नहीं कर रहे हैं तब आपको देसी मेथड जो है वो क्या है, 3 को उठाइए, 3 को किससे गुणा कीजिए, 3 से पहले कितने अंक हैं ये देखिए 1, 2, 3, मतलब 1 के पीछे 3 जीरो लगा के आप गुणा कीजिए 3,000 आ जाएगा। ये देसी तरीका है, नहीं तो फिर अगर आप कॉन्सेप्ट के थ्रू जाएंगे तो इस तरीके से होगा। तो अब हमने देख लिया स्थानीय मान। तो दोस्तों एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेट के तौर पर, आप क्वेश्चन देखिए 50,99,588, हमने एक नंबर लिखा, आपको इसमें इस 5 की और इस 9 का स्थानीय मान बताना है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन अगर हम आपको दे दें 58,689, आपको इस 5 का स्थानीय मान बताना है। तो ये दो क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए। सेकंड पॉइंट पे अब हम डिस्कस करते हैं दोस्तों अंकित मान। अंकित मान का मतलब होता है फेस वैल्यू, फेस वैल्यू। कई बार ये बेसिक आपसे क्वेश्चन वन, कई बार बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाता है, जैसे अंकित मान का मतलब अगर हमने कोई भी नंबर लिखा 58,905, तो जो नंबर आपको उठाना है, आपने उठाया 8, तो 8 का अंकित मान फेस वैल्यू जो होगी वो 8 ही होगी, 9 का अंकित मान 9 होगा, 5 का अंकित मान 5 होगा, इस 5 का अंकित मान 5 होगा। कहने का मतलब, अंकित मान का मतलब आप किसी भी संख्या के अंदर किसी भी अंक का अगर अंकित मान फेस वैल्यू निकालने जाते हैं तो वह संख्या खुद में ही उसका अंकित मान होती है। जैसे एक और समझ लेते हैं, 5,90,683, ठीक है, आप इसमें 9 का फेस वैल्यू निकालने जाएंगे तो 9 की फेस वैल्यू 9 आएगी, इस 6 की फेस वैल्यू 6 आएगी, 3 की फेस वैल्यू 3 आएगी। कहने का मतलब फेस वैल्यू जो होती है अपने आप में ही वह अंक फेस वैल्यू होता है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपने समझा, इसका भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम आपको नंबर दे रहे हैं 90,88,394, इसमें आपको इस 9 की इस 8 की फेस वैल्यू निकालना है, आपको बताना है कमेंट करके। अब देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट दोस्तों। अब हमने दो पॉइंट कवर कर लिए, स्थानीय मान प्लेस वैल्यू और अंकित मान फेस वैल्यू, दोनों आप समझ चुके हैं क्या होता है। अब आइए देखते हैं विभाज्यता के नियम, डिविजिबिलिटी रूल्स काफी इंपॉर्टेंट है और ये आपसे कई बार पूछे जाते हैं। हम इनके जब प्रैक्टिस सेट आगे वाली क्लास में कराएंगे ना, तो आप देखेंगे SSC UP पुलिस रेलवे तमाम एग्जाम्स में ये डिविजिबिलिटी रूल्स पूछ लिए गए हैं। आपको कोई अंक दे देगा, एक उसमें अंक मिसिंग कर देगा और बोलेगा इसमें
कौन सा अंक भरा जाए कि वह 11 से विभाजित हो जाए, कि वह 9 से विभाजित हो जाए, वह 3 से विभाजित हो जाए, ऐसे तमाम क्वेश्चन आपसे पूछे जाते रहे हैं। तो आइए अब हम विभाज्यता के नियम को समझ लेते हैं। तो हमारा तीसरा पॉइंट है विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम में हम सबसे पहले देखेंगे दो से विभाज्यता कैसे होती है। अगर कितना भी बड़ा नंबर आपको दिया हो, कितना भी बड़ा नंबर आपको दिया हो, तो आपको दो से विभाज्यता चेक करने के लिए केवल एक काम करना है, आप उसका इकाई का अंक, मतलब सबसे राइट में जो नंबर दिया है इकाई का अंक आपको उसका उठा लेना है। आप देखिए इकाई का अंक अगर सम संख्या है, सम संख्या या शून्य है, तो वह नंबर दो से विभाजित होगा। कहने का मतलब आप समझ गए, इकाई का अंक या सम संख्या है 2, 4, 6, 8 या 0 है, तो वह नंबर दो से विभाजित हो जाएगा। अब आइए देखते हैं तीन से विभाजिता। अगर कोई नंबर दिया हुआ है 5, 3, 9, 7, 8, 6, अगर मान लीजिए यह नंबर दिया हुआ है, इस नंबर को आपको बताना है ये तीन से विभाजित होगा या नहीं, तो आपको तीन से विभाजित करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, इनके अंकों को जोड़ लेना है आपको। 5, 3, 8, 8 और 9 हो जाएगा 17, 17 और 7 हो जाएगा 24, 24, 8, 32 और 6 हो जाएगा 32 और 6, 38 हो जाएगा। अब देखिए ये 38 तीन को 38 जो है तीन से विभाजित होगा नहीं होगा, तो आप कह दीजिए ये अंक भी, ये वाली संख्या भी तीन से विभाजित नहीं होगी। अगर इनका सम मतलब इन अंकों का जोड़ तीन से विभाजित हो जाता, मान लीजिए अगर इनका सम 27 आ जाता, और तो ये 27 जो है वो तीन से विभाजित हो जाता, तो हम कह देते कि ये संख्या तीन से विभाजित हो जाएगी। तो ये था तीन से विभाजिता का नियम। हम आपको एक संख्या देते हैं प्रैक्टिस सेट के तौर पर, आपको लिखना है 87,53,589। आपको बताना है ये संख्या जो है तीन से विभाजित होगी या नहीं होगी। अब दूसरा अंक है, हम आपको दूसरा क्वेश्चन देते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 1,27,000 और यहाँ पर हमने x 84 लिखा है। अब आपको बताना है x की क्या वैल्यू रखी जाए कि यह अंक तीन से विभाजित हो जाए। तो आपको x की वैल्यू निकालना है जिससे कि यह संख्या तीन से विभाजित हो जाए। अब आइए देखते हैं विभाजिता में चार से विभाजिता का नियम देखते हैं। चार से विभाजिता, अगर कोई संख्या दी हुई है 84,97,588, अगर कोई संख्या दी गई है तो, और चार से विभाजिता आपको चेक करना है कि ये चार से विभाजित होगी या नहीं होगी, तो आपको क्या करना है, लास्ट की दो डिजिट उठा लेना है, मतलब इकाई और दहाई का अंक उठाना है, यहाँ रखना है, उसको चार से विभाजित करके देख लेते हैं। अगर वह चार से विभाजित हो गई तो ये अंक चार से विभाजित हो जाएगा। अगर ये लास्ट के दो अंक इकाई दहाई के अंक अगर चार से विभाजित नहीं होते तो उस केस में ये वाला नंबर चार से विभाजित नहीं होता। ऐसे ही दोस्तों जब हम चार को समझते हैं तो यहीं पर हम आठ को भी समझ लेते हैं। आठ से विभाजिता, जैसे चार में हमने दो डिजिट उठाई, ऐसे ही आठ के लिए तीन डिजिट उठाना है, इकाई दहाई सैकड़ा मतलब 588 उठाना है और इसको आठ से विभाजित करना है। 8, 7, 56 बचा 2, 8, 3, 24 मतलब 4 बच गया। इसका मतलब ये संख्या 8 से विभाजित नहीं होगी क्योंकि लास्ट की तीन डिजिट 8 से विभाजित नहीं हो रही है। तो बस आप 4 और 8 से विभाजिता समझ गए होंगे। अब आप इस पे प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए दोस्तों देखते हैं 5 से विभाजिता का नियम। आपको पता है अगर किसी भी संख्या का इकाई का अंक 5 है या शून्य, 5 या शून्य होता है तो वह नंबर 5 से विभाजित हो जाता है। आपको पता है 5 के गुणज क्या होते हैं, 5, 10, 15, 25। आप देखिए इकाई का अंक या तो 5 है या 0 है, तो अगर इकाई का अंक किसी भी संख्या का 5 है या शून्य है तो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। अब 6 से विभाजिता चेक करने का नियम काफ़ी सरल है, हम आपको बता चुके हैं। कोई संख्या 2 से विभाजित होती है, 2 से विभाजिता का नियम एंड और 3 से विभाजिता का नियम हम आपको बता चुके हैं। अगर कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो जाती है तो वह संख्या 6 से विभाजित
हो जाएगी। अब आइए दोस्तों देखते हैं नौ से विभाजिता का नियम। नौ से विभाजिता का नियम वैसा ही है जैसा तीन से विभाजिता का नियम था। मतलब अगर कोई नंबर हमने दिया हुआ है, अगर कोई संख्या हमने दी है तो इसके अंकों का योग अगर 9 से विभाजित हो जा रहा है, 9 से विभाजित हो जा रहा है तो वह संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। मतलब आपको अंकों का योग करना है और उस योग को 9 से विभाजित करके देखना है। अगर योग विभाजित हो रहा है तो वह संख्या विभाजित हो जाएगी, अगर योग विभाजित नहीं हो रहा है तो संख्या विभाजित नहीं होगी। अब आइए दोस्तों 10 से विभाजिता, आपको पता है अगर इकाई का अंक अगर 0 है, शून्य है, तभी वह संख्या 10 से विभाजित होगी, वरना 10 से विभाजित नहीं होगी। अब आइए दोस्तों देखते हैं 11 से विभाजिता का नियम, काफी महत्वपूर्ण है। मान लीजिए हमने कोई संख्या लिखी, ये संख्या लिखी, अब आप इसको प्लेस को देखिए, ये पहला प्लेस, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, छठा, सातवें प्लेस पे, मतलब 7 अंक है तो 7 प्लेस हैं। आप जो विषम प्लेस पर स्थित अंक हैं जैसे 1, 3, 5, 7 इनको जोड़िए, जैसे 0 को 8 से जोड़िए, 8 को 5 से जोड़िए 13, 13 को फिर 8 में जोड़ेंगे तो आएगा 21, यहाँ पे नोट डाउन कीजिए। अब जो सम स्थानों पर हैं उनको जोड़िए, जैसे दूसरे स्थान पर है 1, 1 को जोड़िए 3 से 4, और 4 और 0 4 ही होगा। इनका अंतर देखिए, अगर इनका अंतर ऐसा आता है, जो अगर इनका अंतर ऐसी संख्या आती है जो 11 से विभाजित हो, मतलब 11 की अगर कोई गुण है, अगर ऐसी संख्या आती है जो 11 का गुणज हो, या फिर या इनका अंतर शून्य आए, या तो इन दोनों का अंतर शून्य आए या ऐसी संख्या आए जो 11 का गुणज हो, तो उस केस में हम कह देंगे ये संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। लेकिन अगर 11 का गुणज और शून्य दोनों में से कोई नहीं आता है तो वह संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। तो दोस्तों आपसे इसी टाइप के कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपसे पूछ देगा इस संख्या में क्या जोड़ें, इस वाली संख्या में क्या जोड़ें कि यह संख्या 11 से विभाजित हो जाए। तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए, क्योंकि 21 और 4 का डिफरेंस आप देखेंगे 17 आ रहा है, जो ना तो 11 का गुणा है या ना शून्य है। तो आप बताइए इसमें क्या जोड़ें कि यह संख्या 11 से पूर्णता विभाजित हो जाए। दोस्तों अब हमने देख लिया है विभाज्यता के नियम अर्थात डिविजिबिलिटी के रूल्स तक आ चुके हैं, 3 पॉइंट कवर कर चुके हैं हम। अब चौथा पॉइंट है संख्याओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ नंबर्स। अब आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ नंबर्स। टाइप्स ऑफ नंबर्स में दोस्तों पहला होता है हम देखेंगे सम संख्या। सम संख्या का मतलब होता है इवन नंबर। इवन नंबर अर्थात ऐसी संख्याएं जो दो से पूर्णता विभाजित हो जाती हैं उनको कहते हैं सम संख्या। इसकी परिभाषा आपको पता है, वे संख्याएं जो दो से पूर्णता विभाजित हो गई उनको सम संख्या कहते हैं। अब दूसरी संख्याएं जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ऐसे संख्याएं जो दो से विभाजित हो रही। अब देखते हैं विषम संख्याएं, ऑड नंबर। विषम संख्याएं, ऑड नंबर ऐसी संख्याएं जो दो से विभाजित नहीं होती हैं, वे संख्याएं ऑड मतलब ऐसी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे आप देख सकते हो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 ऐसी संख्याएं हैं जो दो से विभाजित नहीं हो रही उनको विषम। सम मतलब दो से विभाजित, विषम मतलब दो से नहीं होने वाली विभाजित। अब देखते हैं तीसरी संख्या, अभाज्य संख्या, जिसको कहते हैं प्राइम नंबर। अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जो केवल स्वयं से विभाजित होती हैं उनको अभाज्य संख्या कहते हैं। क्योंकि एक जो है, क्योंकि एक से विभाजित कोई भी पूर्ण संख्या है वह एक से विभाजित तो हो ही जाएगी। तो ऐसी संख्याएं जो केवल स्वयं से विभाजित होती हैं उन्हें कहते हैं अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। ऐसी संख्याएं जैसे आप देखेंगे 2, 2 केवल खुद से ही विभाजित होती है, 3, 5, 7, 9 नहीं आएगा, 9 क्योंकि 3 से विभाजित हो जाता है, वो विषम संख्या है लेकिन अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि
9 जो है 3 से विभाजित हो रहा है, ऐसे ही 11 केवल खुद से ही विभाजित होता है, 13 हो जाएगा, 15 नहीं होगा क्योंकि 5 और 3 दोनों से विभाजित हो रहा है 15, 15 विषम संख्या है लेकिन अभाज्य नहीं है, ऐसे ही 17 हो जाएगा क्योंकि 17 केवल स्वयं से ही विभाजित होती है। तो हम आशा करते हैं आप समझ सके होंगे अभाज्य संख्या और विषम संख्या का अंतर। अब आइए चौथा नंबर जो है नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं। जीरो से बड़ी सारी की सारी धनात्मक पूर्ण संख्याएं जो होती हैं वो नेचुरल प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 आप इन्फिनिटी तक जाएंगे तो केवल आप इतना याद रखिए प्राकृतिक संख्या का मतलब होता है जीरो से बड़ी सारी की सारी धनात्मक पूर्ण संख्याएं जो होती हैं वो नेचुरल नंबर अर्थात प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। अब देखते हैं होल नंबर, होल नंबर्स अर्थात जो नेचुरल नंबर होते हैं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, अगर आप इसमें जीरो को भी ऐड कर दें 0, 1, 2, 3, 4 इन्फिनिटी तक, तो आप देखेंगे यही संख्याएं होल नंबर बन जाती हैं। कहने का मतलब नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या में जीरो भी जोड़ दीजिए तो यही संख्याएं बन जाएंगी होल नंबर्स, संपूर्ण संख्याएं। अब देखते हैं रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं देखते हैं। रेशनल नंबर दोस्तों वे होते हैं, रेशनल नंबर दोस्तों वे होते हैं जो पी अपॉन क्यू अर्थात पी बटा क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, जैसे 3/5, 7/11, 8/9। तो दोस्तों ऐसी संख्याएं जिन्हें पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है उन्हें कहते हैं रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। और दोस्तों दूसरे होते हैं इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर का मतलब होता है अपरिमेय संख्या अर्थात जिनको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है उन्हें कहते हैं इरेशनल नंबर। आपसे दोस्तों जैसे √2, √3 इनको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जाता है, चाहे फिर वो √11 हो, तो इनको अंडर रूट की संख्याएं होती हैं इनको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जाता है। कई बार आपसे एग्जामिनर पूछता है पाई जो है किस प्रकार की संख्या है पाई, और ऑप्शन में होता है रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर और भी बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। तो आपको याद रखना है पाई जो है पाई की वैल्यू आप सोच रहे होंगे 22/7 होती है, तो आप इसके अकॉर्डिंग ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख गया तो आप बोल देंगे कि ये रेशनल नंबर है, वहीं आपका हो जाएगा गड़बड़, गलत हो जाएगा, क्योंकि पाई की 22/7 जो है एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये नियर बाई वैल्यू मान ली गई है। तो आप याद रखिए ये जो है पाई जो 22/7 है ये इरेशनल नंबर में आता है पाई, क्योंकि पाई की जो वैल्यू है 22/7 ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इसलिए इसको अपरिमेय संख्या इरेशनल की कैटेगरी में रखा जाता है, आपसे एग्जामिनर कई बार पूछता है। दोस्तों आपने देखा हमने टाइप्स ऑफ नंबर्स आपको पढ़ाए जिसमें हमने आपको सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, प्राकृतिक संख्याएं, संपूर्ण संख्याएं, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं बताई, आपसे एग्जामिनर कई बार पूछता भी है। अब आइए देखते हैं इकाई के अंक का कॉन्सेप्ट, इकाई के अंक का कॉन्सेप्ट क्या होता है। दोस्तों इसमें दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इकाई अंक, दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं। पहला क्वेश्चन होता है आपको मल्टीप्लिकेशन दे दिया जाएगा बहुत सारे नंबर का, मतलब आपको फैक्टर दे दिए जाएंगे, जैसे हमने लिख दिया 7 73 84 93 10 और आपसे पूछा कि इसका यूनिट डिजिट अर्थात इकाई का अंक क्या होगा। तो इस केस में जहां पे मल्टीप्लिकेशन जहां पर आपको गुणनखंड का मल्टीप्लाई दिया होता है तो वहां पर आपको क्या करना है, आपको उस सारे के सारे गुणनखंडों की जितने भी नंबर हैं उनका इकाई अंक लेना है, इसका 73 का 3, 84 का इकाई अंक 4 और 93 का इकाई अंक 3 और 10 का इकाई अंक 0, सबको गुणा कीजिए इकाई के अंक को, 0 × 3 0 0 × 4 0 0 × 3 0, मतलब इकाई का अंक आ गया 0। कहने का मतलब जब भी आपको ये गुणा में नंबर दिए हो बहुत सारे तो आपको इकाई के अंक हर एक नंबर का उठा लेना है, उनको गुणा करके आपको इकाई का अंक मिल जाएगा।
लेकिन दूसरे जो टाइप के क्वेश्चन पूछता है उसमें पावर्स में दिया होता है, जैसे ए की पावर बी दे देगा, पूछेगा इसका इकाई अंक क्या होगा। जैसे हम आपको बता देते हैं 36 की पावर दे दिया 93, बताओ इसका इकाई का अंक क्या होगा। तो अब हम आइए इस टाइप के क्वेश्चन का तरीका बताते हैं कि किस अंक का इकाई अंक क्या होगा। दोस्तों अगर मान लीजिए कोई नंबर दिया हुआ है ए की पावर बी, ठीक है, तो आप एक बात तो हमेशा नोट कर लीजिए, इसे नोट, अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 5 है या 6 है या फिर 0 है, ये तीन संख्याएं, अगर कितनी भी बड़ी संख्या दी हो उसका इकाई अंक 0, 6, 5 है, तो हमेशा यूनिट डिजिट क्या आता है, यूनिट डिजिट। आपको पता है अगर 5 है तो 5 की पावर कितनी भी कीजिए, 5 एकम 5, 5 25, 5 125, 5 625, 5 की पावर कुछ भी कीजिए, 5 एकम 5, 5 25, 5 125, 5 625, आप देखेंगे यूनिट डिजिट हमेशा 5 ही आ रहा है। वहीं आप देखेंगे 6 का कितनी भी पावर चढ़ाइए, 6 कम 6, 6 छंग 36, 6 छंग 36, छक्का 216, मतलब आप देखेंगे यूनिट डिजिट हमेशा 6 ही आ रहा है। ऐसे ही अगर यूनिट डिजिट 0 है, 10, 10 धाम, 100 धाम, 1000 धाम, 10000, मतलब हमेशा यूनिट डिजिट 0 आएगा। तो मतलब 5, 6, 0 अगर यूनिट डिजिट है किसी भी संख्या का और इसके ऊपर कोई भी पावर चढ़ी हो, तो आप 5 के केस में 5, 6 के केस में 6, 0 के केस में 0 ही यूनिट डिजिट आता है। तो ये हुई बेसिक बात, इसको आपको अलग नोट करके रखना है। अब देखते हैं ए अपॉन बी, ए की पावर बी का एक अलग कॉन्सेप्ट। आप देखिए ए की पावर बी, अगर दोस्तों ए अगर सम संख्या है 2, 4, 6, हम आपको बता चुके हैं तो नोट नहीं करेंगे, 8 अगर ये संख्या है, और दूसरा कंडीशन है ए अगर विषम संख्या है 1, 3, 5, हम आपको बता चुके हैं तो वो लिखेंगे नहीं, 7, 9, ठीक है, मतलब ए अगर ये वाला बेस जो है अगर सम संख्या है 2, 4, 8 और ए अगर विषम संख्या है 1, 3, 7, 9। अगले पेज पर समझाते हैं, आप देखिए 2, 4, 8 ये सम संख्याएं हमने, ये किसकी वैल्यू है, ए की वैल्यू, ए की पावर बी, अगर ए अगर सम संख्या है 2, 4, 8, वहीं अगर ए विषम संख्या है, विषम ये हो गया सम, विषम संख्या में 1, 3, 5 का हम आपको बता चुके हैं वो लिखेंगे नहीं, 7, 9, ठीक है। अब आप देखिए इनकी पावर आप 4 चढ़ाइए, इनकी पावर 4 चढ़ाइए, 2 की पावर 4, 4 की पावर 4, 8 की पावर 4, 1 की पावर 4, 3 की पावर 4, 7 की पावर 4, 9 की पावर 4। अब देखिए इकाई अंक नोट कीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 4 चौक 16, 4 चौक 64, 4 चौक 256, 8 अट्टे 64 अट्टे, 512 अट्टे 4096। ऐसे ही यहाँ पे कीजिए, 1 की पावर 4 1, 3 की पावर 4, 3 त्रिका 9, 3 27, 3 81, ऐसे 7 की पावर 4, 7 सत्ते 49, 7 3 43, 7 हो जाएगा 2401, 9 की पावर 4 जो आएगा 65, 61। अब आप देखिए इकाई अंक 6, 6, 6, मतलब इन तीनों के केस में इकाई अंक 6, इन चारों के केस में इकाई अंक 1, कहने का मतलब है हर चौथी पावर के बाद इकाई का अंक जो है सम संख्या में 6 और विषम संख्याओं में, मतलब 1, 3, 7, 9, इसमें 5 को छोड़ दिया और यहाँ पर हमने 6, अगर यहाँ भी 6 इंक्लूड कर लेंगे तब भी ये लगेगा, लेकिन 5 को छोड़ा है, तो इकाई का हर चौथी पावर पे सम संख्या में इकाई का अंक 6 और विषम संख्या में इकाई का अंक 1 आता है, रिपीट होता है। अब आइए दोस्तों आपको एक क्वेश्चन बताना है, 729 की पावर 73, इसका इकाई का अंक क्या होगा। हमने आपको बताया कि ये जो संख्या आपको इकाई का अंक देखना है, क्योंकि कोई भी संख्या दी हो आप उसका इकाई का अंक लेंगे, इकाई का अंक क्या है, 9।
हम आपको बता चुके हैं 9 की पावर आप 4 करेंगे तो इकाई का अंक क्या आएगा, 1 आएगा, विषम संख्या में हमने आपको बताया। यहां देखिए 9 की पावर 4 इकाई का अंक 1, मतलब विषम संख्या में किसी भी संख्या का 4 अगर पावर करेंगे तो इकाई का अंक 1 आएगा। फिर ऐसे ही 4 इनकी पावर 8 करेंगे तब भी इकाई का अंक 1, इनकी पावर 12 करेंगे तब भी इकाई का अंक 1, इनकी पावर 16 करेंगे तब भी इकाई का अंक 1। मतलब कोई भी संख्या जो 4 से विभाजित हो जा रही है वो अगर इन विषम संख्याओं की पावर होगी तो इकाई का अंक 1 होगा। तो बस यहां पर हम वही कर रहे हैं। अब देखिए 9 की पावर 4 मतलब इकाई का अंक 1 आता है। तो अब देखिए यहां कितना है, यहां है 73। 73 को अगर 4 से विभाजित करेंगे तो ये 1 आएगा शेष फल। कितना शेष फल आएगा, शेष बचेगा 1। जितना शेष बचा, 1 शेष बचा, तो जो इकाई का अंक है 9, 9 को रखिए यहां, जो शेष बचा उसको चढ़ाइए पावर पर, तो 9 की पावर 1 क्या आएगा, 9। बस यही आपका इकाई का अंक होगा। एक और करते हैं, एक क्वेश्चन आपको बताते हैं। 628 की पावर 81, 628 की पावर 81 का इकाई का अंक क्या होगा। आप देखिए इसका इकाई का अंक क्या है, 8 है, 8 मतलब सम संख्या है। आप देखिए सम संख्या 2, 4, 8 अगर इनकी पावर 4 करते हैं तो इकाई का अंक 6 आता है। 4 का ही अगर मल्टीपल लेंगे 8 तो भी इकाई का अंक 6, फिर लेंगे 12 इकाई का अंक 6, 16 इकाई का अंक 6, 20 इकाई का अंक 6। कहने का मतलब ऐसी संख्या जो 4 से विभाजित हो जाएगी अगर वो सम संख्याओं का पावर है तो इकाई का अंक 6 आएगा। लेकिन यहां देखिए यहां पर क्या है पावर, 81 पावर है, तो 81 को 4 से विभाजित कीजिए। विभाजित करने पे कितना शेष बचेगा, 1 शेष बचेगा। विभाजित करने पे जो शेष आएगा 1, आप इसका इकाई का अंक क्या है, 8। कितना शेष बचा, 1 पावर चढ़ाइए, 8 एकम 8, इकाई का अंक क्या होगा, 8 होगा। आइए एक और प्रैक्टिस करवाते हैं आपको। आप बताइए 684 की पावर 684 की पावर 85 इकाई का अंक क्या होगा। और यहां पर बताइए 743 की पावर 15 इसका इकाई का अंक क्या होगा। हम आपको बता चुके हैं, ये देखिए क्या है, सम संख्या है, सम संख्या, इकाई का अंक क्या है, सम संख्या है 4। अब यहां पर जो पावर दी है, पावर इसको उठाइए 85, 4 से कीजिए विभाजित। 4 से विभाजित करने पर शेष क्या बचेगा, 1 शेष बचेगा। जो शेष बचे तो इकाई का अंक क्या है, 4। जो शेष बचा उसे पावर पे चढ़ाइए, 4 एकम 4। ऐसे ही विषम संख्या है, यहां पर 3 क्या है, विषम संख्या है। अब इसकी पावर क्या है, 15, 15 का बटा 4 कीजिए, शेष क्या बचेगा, शेष बचेगा 3। जो शेष बचा इसका इकाई का अंक क्या है, 3। 3 की पावर जो शेष बचा वो चढ़ाइए, 3 त्रिका 9 तीयो 27, इकाई का अंक क्या आएगा, 7 आएगा। तो दोस्तों हमने आपको बताया इकाई के अंक का कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल। अगर दोस्तों हम यहां पर एक भाग लिखते हैं बी ए क्यू आर, तो हम दोस्तों आपको बताते हैं जो ये ए है, ए ए होता है भाज्य, बी होता है भाजक और क्यू होता है भागफल, वहीं आर होता है शेषफल। इनको इंग्लिश में कहते हैं, ये भाज्य को इंग्लिश में कहते हैं डिविडेंड, भाजक को कहते हैं डिविजर और भागफल को कहते हैं कोसेंट और शेषफल को कहते हैं रिमाइंडर। तो भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल। अब आइए दोस्तों देखते हैं समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी क्या होता है, क्योंकि ये आपसे कई बार नंबर सिस्टम में पूछ ली जाती है। समांतर श्रेणी,
अगर दोस्तों कोई श्रृंखला इस प्रकार दी गई है, पहला अगर ए दिया हुआ है, दूसरा अंक ए प्लस डी दिया है, तीसरा ए प्लस टू डी दिया है, तीसरा चौथा दिया है ए प्लस थ्री डी, डेड डेड डैश करके आपको दिया हुआ है। कहने का मतलब है आप इन दोनों का अंतर निकालिए, ए प्लस डी माइनस ए क्या आएगा, डी। आप इन दोनों का अंतर निकालिए, इन दोनों का ए प्लस टू डी माइनस ए माइनस डी हो जाएगा, तो ए से ए कैंसिल, 2d माइनस डी डी हो जाएगा, ऐसे इन दोनों का अंतर भी d आएगा। तो ऐसी श्रृंखला जिसका सर्वांतर जो होता है, सर्वांतर इसको बोलते हैं, इनके बीच का अंतर, मतलब a b c d अगर है तो b माइनस ए c माइनस बी, इसे बोलते हैं सर्वांतर। मतलब अगर ये a है, ये b है, ये c है, तो b माइनस ए जो होता है इसे कहते हैं सर्वांतर, सर्वांतर। और अगर ये किसी दी हुई श्रृंखला में समान होता है, समान है, तो इसी को कहते हैं समांतर श्रेणी। और दोस्तों इसके दो फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए ये श्रृंखला दी गई है, ये लंबी श्रृंखला दी गई है, और आपसे पूछ ले कि इसका 21वां पद क्या होगा। अगर ये श्रृंखला दी है, पहले तीन पद दे दिए गए हैं, और पूछा गया है कि इसका, जैसे दोस्तों आपको क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाते हैं समांतर श्रेणी में, अगर कोई श्रृंखला दी है 2, 5, 8, 11 डेड डेड डेंस, आपसे पूछा 21वां पद बताइए इस श्रृंखला का क्या होगा। आप देखिए इनके बीच अंतर क्या है, 5 माइनस 2 3, 8 माइनस 5 3, 11 माइनस 8 3, मतलब सर्वांतर इनका डी की वैल्यू 3 है। पहला पद क्या है, पहला पद को ए से डिनोट करते हैं, 2 है, तो आपको टी एन ये 21वां पद निकालना है। इसकी वैल्यू होती है पहला पद ए प्लस जो पद आपको निकालना है एन, उसमें से एक माइनस कीजिए और गुणा कीजिए सर्वांतर से डी से, यही होता है आपको एनवां पद निकालने का फॉर्मूला। जैसे अगर यहाँ पर 21वां पद आपको निकालना है टी 21, तो पहला पद क्या है 2 प्लस 21वां पद निकालना है तो 21 माइनस 1 सर्वांतर क्या है 3 है। इसे हल करेंगे आपको मिलेगा 2 प्लस 21 में से 1 गया 20 तियाँ 60, 60 और 2 62, तो 21वां पद जो आएगा वो 62 आएगा। इसे कहते हैं समांतर श्रेणी। अब आइए दोस्तों आपको हम बताते हैं कि अभी हमने समांतर श्रेणी देखी, अब समांतर श्रेणी के बाद अब हम समांतर श्रेणी का योगफल क्या होता है। योगफल समांतर श्रेणी का जो योगफल है, हमें दो कंडीशन है, अगर जब अंतिम पद दिया हो, अंतिम पद दिया हो समांतर श्रेणी का, अंतिम पद को L से डिनोट करते हैं, अगर दिया है तो उसका योग अलग तरीके से निकलेगा। अगर अंतिम पद नहीं दिया है, मान लीजिए अंतिम पद नहीं दिया गया है, तो उसका योग जो है हम अलग तरीके से निकालेंगे। तो अब सबसे पहले देखते हैं, अंतिम पद दिया है तो उसका सम जो होगा एस एन, समांतर श्रेणी का जितना पद है एन उसका कीजिए आधा, मल्टीप्लाई कीजिए इसको प्रथम पद प्लस अंतिम पद, बस समांतर श्रेणी का योगफल आ गया। अब अंतिम पद नहीं दिया गया है तो उसका योग क्या होता है, तो जो प्रथम पद दिया गया हो तो सबसे पहले आपको जितने पद हैं एन उसका कीजिए आधा, मल्टीप्लाई कीजिए जो पहला पद है उसका कीजिए दोगुना, प्लस जितने पद हैं उसमें से एक कीजिए कम और गुणा कर दीजिए इसको सर्वांतर से। तो ये है जब अंतिम पद नहीं दिया गया है, और ये फॉर्मूला है जब अंतिम पद दिया गया हो। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। आइए हम दोनों का एक एक क्वेश्चन हल करवा देते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर कोई समांतर श्रेणी जो अभी हमने ली थी 2, 5, 8, 11, 62 उसका अंतिम पद आ गया था, तो अब हमें इसका योग निकालना है, योगफल क्या होगा। योगफल तो इसका योगफल हमने बताया, प्रथम पद क्या है ए, 2, सर्वांतर डी क्या होता है, अगर ये ए बी सी डी है तो बी माइनस ए क्या है 5 माइनस 2 3 जो है इसका सर्वांतर है। अब दोस्तों यहाँ पर पदों की संख्या आपको नहीं दी गई है, कितने पद हैं, तो कितने पद हैं ये आप आराम से निकाल सकते हैं, हम आपको बता चुके हैं। टी एन बराबर क्या होता है, प्रथम पद 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है 3,
अंतिम पद यहाँ दिया हुआ है 62 है, 62वां पद जो निकाल लेते हैं कितना होगा, TN-वां पद क्या है 62 है, तो 62 बराबर 2 प्लस 3 गुणा एन माइनस 1, 2 इधर आएगा तो 60 हो जाएगा, 60 बराबर एन माइनस 1 गुणा 3, 3 से विभाजित करेंगे तो एन माइनस 1 बराबर 20, एन बराबर आ गया 21, तो आपको पदों की संख्या मिल गई। अब फॉर्मूला लगा दीजिए, एन बराबर 21 आ गया तो सम क्या हो गया, एस एन बराबर एन बाई 2 मतलब 21/2, प्रथम पद है 2 प्लस अंतिम पद है 62, बस यही आपका आंसर होगा 21/2, ये हो जाएगा 64, आप इसे काटेंगे तो ये 32 आएगा और 21 दूनी 42 हो गया, 21 तीन 63 और 4 होता है 67, 672 जो होगा इस समांतर श्रेणी का योगफल होगा। अब दोस्तों देखते हैं यही समांतर श्रेणी जो है 2, 5, 8 डैश, अगर बोल दिया गया है इस समांतर श्रेणी के 21 पदों का योग बताइए, 21 पदों का योग बताइए। तो दोस्तों अब यहां पर आपको अंतिम पद नहीं दिया गया, पूर्ण कह दिया गया 21 पदों का योग बताइए, तो उस केस में आपको क्या करना है, 21/2 प्रथम पद का दोगुना कीजिए, 2 × 2 = 4 प्लस ये पद कितने हैं 21 हैं, तो 21 - 1 कर दीजिए, सर्वांतर आपको पता है 3 है, बस आपको आंसर मिलेगा 21/2, ये हो गया 4, 20 × 3 = 60 हो गया, ये क्या हो गया 64 हो गया, 21/2 × 64 बस वही आंसर आ गया, देखिए 32, 32 का 21 में गुणा करेंगे, 21 × 2 = 42, 21 × 3 = 63 और 4 = 67, 672 देखिए अंतिम पद नहीं दिया था लेकिन हमें पदों की संख्या दे दी गई थी, तो आपको अंतिम पद निकालने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट हमने इस फॉर्मूले से n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d से निकाल लिया। दोस्तों हम आशा करते हैं आपको समांतर श्रेणी के पदों का योग निकालना आ गया है। अब आइए दोस्तों हम चलते हैं अगला हमारा टॉपिक है गुणोत्तर श्रेणी की ओर चलते हैं। गुणोत्तर श्रेणी इसको दोस्तों ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, GM से डिनोट करेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब दोस्तों देखिए गुणोत्तर श्रेणी होती क्या है, जैसे गुणोत्तर श्रेणी वह श्रेणी होती है जिसके क्रमागत पदों के बीच जो अनुपात होता है वह कांस्टेंट होता है, बिल्कुल नियत होता है, कोई भी दो अगर आप क्रमागत पद लेंगे तो उनके बीच जो अनुपात है वो नियत होगा, बस इसी श्रेणी को कह देते हैं गुणोत्तर श्रेणी। कैसे, अगर पहला पद ए है, दूसरा पद ए आर है, तीसरा पद ए आर स्क्वायर, चौथा पद ए आर क्यू डैश ए आर की पावर एन तक चला गया, आप देखिए इनको आप इसको जब निकालेंगे मतलब अगर हम इसे ए बी सी डी से डिनोट करें तो बी अपॉन ए क्या होगा, बी अपॉन ए हो जाएगा ए आर अपॉन ए, ये किसके बराबर होना चाहिए, सी अपॉन बी क्या हो जाएगा, सी है ए आर स्क्वायर अपॉन बी है ए आर, देखिए ए से ए कैंसिल, ए से ए कैंसिल, इस एक आर से आर कैंसिल, आर बराबर आर, कहने का मतलब हो गया किन्हीं भी दो क्रमागत पदों के बीच जो अनुपात है वह समान है, हर क्रमागत पद के बीच जो अनुपात होगा बी अपॉन ए सी अपॉन बी डी अपॉन सी सबका जो अनुपात है वह समान होता है, इसी को दोस्तों कहते हैं सार्व अनुपात जो है ये होता है, इसे आर से डिनोट करते हैं, तो याद रखिए इसी प्रकार की श्रेणी को गुणोत्तर श्रेणी के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों अब अगर आपको इस श्रेणी का एनवां पद निकालना हो, इस वाली श्रेणी का ए आर स्क्वायर ए आर क्यू डैश आपको अगर इसका एनवां पद निकालना है तो TN इसकी वैल्यू होती है a इंटू आर की पावर n माइनस 1, बस प्रथम पद जो होता है गुणा करना है r की पावर n माइनस 1 से, यही होता है दोस्तों इस श्रेणी का एनवां पद। और दोस्तों इस श्रेणी के एन पदों का योगफल क्या होता है, एन पदों का योगफल एस एन बराबर प्रथम पद गुणा आर की पावर एन माइनस 1। अब दोस्तों नीचे जो आएगा अगर आर की वैल्यू जो सार्व अनुपात है अगर वो आर की वैल्यू 1 से बड़ी है तो हो जाएगा आर माइनस 1, और अगर दोस्तों आर की वैल्यू 1 से छोटी है तो उस केस में 1 इंटू आर की पावर एन माइनस 1 नीचे जो हो जाएगा 1 माइनस आर हो जाएगा, बस इतना सा डिफरेंस हो जाता है। तो दोस्तों याद रखिए ये फॉर्मूला एनवा पद जो होता है गुणोत्तर श्रेणी का a इंटू आर की पावर n माइनस 1 और जो योगफल होता है एस एन बराबर a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 जब r की वैल्यू 1 से बड़ी है,
और जब r की वैल्यू एक से छोटी है तो Sn बराबर a इंटू आर की पावर n माइनस वन अपॉन वन माइनस आर। तो यह गुणोत्तर श्रेणी का फॉर्मूला होता है। अब आइए दोस्तों गुणोत्तर श्रेणी का उदाहरण आपको समझा देते हैं। अगर हम मान लेते हैं गुणोत्तर श्रेणी है 2, 6, 18, 54, 162 पदों तक। अगर दोस्तों आपसे बोला जाए इस गुणोत्तर श्रेणी का 20वां पद क्या होगा, 20वां पद क्या होगा आपसे पूछ दिया जाए, तो हमने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, टी बीसवां मतलब टी एन बराबर क्या था, ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन। अब बस सबसे पहले आपका काम क्या है, यहाँ पर r की वैल्यू निकाल लीजिए। r क्या है, r क्या होता है, b अपॉन a, c अपॉन b, d अपॉन c, ये होता है। कुछ भी आप निकालेंगे तो क्या आएगा, तो 6/2 = 18/6, ये सारे सर्वानुपात हैं, सब बराबर होंगे, 2 × 3 = 6, 6 × 3 = 18, तो मतलब आप देखेंगे सर्वानुपात क्या है, 3 है। अब आपको निकालना है ए, आपको पता है ए दिया हुआ है, प्रथम पद क्या है, 2 है। अब एनवां पद निकल आएगा, 20वां पद क्या हो जाएगा, टी 20 बराबर 2 × r क्या है, 3 की पावर n क्या है, n की वैल्यू 20 है, 20 - 1, तो ये हो गया 2 × 3 की पावर 19। ये जो है आपका एनवां पद निकल आया, 20वां पद, ये दोस्तों है 20वां पद। अब दोस्तों अगर यही पूछ दिए इसकी जगह कि इस श्रेणी का योगफल क्या होगा, 20 पदों का, प्रथम 20 पदों का योग क्या होगा, तो आपको पता है आर आपने निकाल लिया 3 है, ए आपको पता है 2 है, तो आपको हमने बताया था जो योगफल होता है 20 पदों का क्या हो जाएगा, ए प्रथम पद जो है 2 × r कितना है, 3 है, 3 की पावर n हो जाएगा, n क्या है, 20वां है, तो 20 - 1 / r - 1, r की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो आप ये 3/1, 3 - 1, तो हो जाएगा 2 × 3 की पावर 20 - 1/2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर आएगा 3 की पावर 20 - 1 जो है ये इस गुणोत्तर श्रेणी के 20 पदों का योगफल है। तो दोस्तों आपको हमने एग्जांपल भी करा दिया। अब आइए दोस्तों देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो नंबर सिस्टम से हैं। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का, दोस्तों प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग आपसे पूछा जाता है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने के लिए हम मान लेते हैं n प्राकृतिक संख्याएं ले लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, हमने पहले 5 ले ली। अब आप इनका योग कर लीजिए, 2 × 1 = 3, 3 × 3 = 6, 4 = 10, 10 + 5 = 15 हो गया। आप ये देखिए ये आया कैसे हो गया 15, n की वैल्यू क्या है, 5 है। अब आप देखिए n की वैल्यू यहाँ पर 5 है, तो आपको अगर इसमें करेंगे 5 में गुणा 5 + 1, तो ये क्या आना चाहिए, 5 × 6 = 30 आएगा, लेकिन इसका योग आ रहा है 15, तो इसका मतलब आप इसका आधा करेंगे तो आएगा 15। अब हम एक और ले लेते हैं, 1, 2, 3, पहले 3 पद ले लिए, 3, 2, 5 और 1, 6, इसका योग आ रहा है, कैसे आया होगा, n की वैल्यू 3 है, तो अगर हम यहाँ पर क्या करें 3 का गुणा करें 3 + 1 से क्या आएगा, 4 × 3 = 12, इसका आधा कर दें तो आ गया 6। कहने का मतलब है यहाँ क्या हो रहा है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग जैसा हमने यहाँ आपको प्रैक्टिकली करके दिखाया, n × n + 1/2, यही होता है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, n × n + 1/2, तो ये फैक्ट आपको याद रखना, हमने एग्जाम्पल के साथ करा दिया। अब आप याद रखिए दूसरा क्वेश्चन है, प्रथम n जो प्राकृतिक विषम संख्याएं हैं, प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग क्या होता है, विषम संख्याओं का योग आपको निकालना है, विषम संख्याओं का योग क्या होगा, हमने विषम संख्याएं ले ली 1, 3, 5, 7, 9, पहली 5 ले ली, तो 5 × 3 = 8 और 1 = 9 हो गया, 9, 9 = 18 और 7 कितना होता है, 25 होता है, तो आप देखिए कितनी संख्याएं हैं ये 5, 5 का स्क्वायर करने पे तो 25 आएगा, ठीक है। अब हम दो एक और देख करके देखते हैं, 1, 3, 5, पहली 3 संख्या ले ली, 5, 3, 8 और 1 = 9, कितनी संख्या है, n = 3, मतलब इसका स्क्वायर करने पे ही तो 9 आ रहा है, तो आप कह सकते हैं प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग का फॉर्मूला आपको याद रखना है, जितनी संख्याएं दी हैं उतना ही प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जो विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग n स्क्वायर होता है, तो ये भी आपको याद रखना है, हमने आपको यहाँ पर करके दिखाया। अब दोस्तों प्रथम n प्राकृतिक
विषम की जगह अब अगर हम लिख लें प्राकृतिक सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग, तो अब ये क्या होगा, सम संख्याओं का योग क्या होगा, अब आप देखिए सम संख्याएं लिख ली है 2, 4, 6, 8, 10, हमने पहली 5 लिख ली, 4, 2, 6, 6, 12 और 8, 20 और 10, 30 हो गया, तो ये कैसे आया होगा, n बराबर 5 है, तो आप क्या करेंगे इसको निकालने के लिए 5 में 5 प्लस 1 करेंगे तो ये 5 × 6 = 30 आ जाएगा, वेरी गुड, आपको पता चला। अब देखते हैं दूसरा, एक और उदाहरण लेते हैं, 2, 4, 6 पहले 3 पद देख लेते हैं, 6, 4, 10 और 2, 12, n कितना है, n 3 है, तो 3 में अगर 1 जोड़ दें और इसका मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाएगा, तो कहने का मतलब प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का जो योग होता है n गुणा n प्लस 1 होता है, ये आपको याद रखना है, याद आप रट्टा नहीं मारेंगे, आप केवल बेसिक अगर आपको पता है तो आपके माइंड में तुरंत आ जाएगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन, अब अगला कॉन्सेप्ट है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, वर्गों का योग आपको निकालना है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। तो दोस्तों ये हम आपको पहले प्रूव करा चुके हैं, ये वाला फॉर्मूला, ये हमारा क्या फॉर्मूला था, n गुणा n प्लस 1 गुणा 2n प्लस 1 अपॉन 6, ये जो होता है इनका योग होता है, कैसे एक करके देखते हैं, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1, 4, 9, 9, 4, 13 और 1, 14 आंसर आना चाहिए। n की वैल्यू कितनी है, 3 है, यहाँ रख दीजिए, 3 गुणा ये हो गया 4 गुणा 3 × 2 = 6 और 1 = 7 हो गया, ये डिवाइड बाई 6 हो गया, 3 × 2 = 6 हो गया 2 × 2 = 4 हो गया 7 × 2 = 14 हो गया, मतलब ये हमारा फॉर्मूला है n गुणा n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6, ये प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग है। अब आइए दोस्तों देखते हैं प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के, प्राकृतिक जो संख्याएं हैं घनों का योग क्या होगा। तो हम सबसे पहले देखते हैं प्रथम n प्राकृतिक संख्याएं कौन सी हैं, 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब, हमने 3 ले ली, 3 × 9 = 27, ये हो गया 8 और ये हो गया 1, तो ये हो जाएगा आंसर 36 है। अब ये कैसे आया होगा, आप अगर देखेंगे n गुणा n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, इसका आंसर क्या आएगा, n की जगह 3 रखेंगे, 3 × 4/2, 2 × 4, तो ये क्या आएगा, ये आएगा 6, 3 × 6 आएगा। अगर दोस्तों आप इस 6 का अगर स्क्वायर कर दें तो आपको मिलेगा 36। तो बस जो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जो योग था n गुणा n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, अगर आप उसका योग, अगर आप उसका स्क्वायर कर देंगे तो आपको प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग मिल जाएगा। तो याद रखिए जो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग था n गुणा n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, अगर आप उसका स्क्वायर कर दें तो आपको मिल जाता है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। तो दोस्तों ये हमने देखे नंबर सिस्टम का पूरा चैप्टर फिनिश हो चुका है, इसमें जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, तो इसी लेक्चर के अंदर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगामी लेक्चर में जो नंबर सिस्टम का दूसरा पार्ट होगा उसमें दोस्तों हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और प्रैक्टिस सेट को लगातार सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों लगातार सक्सेस मिस्टर क्लासेस से जुड़े रहिए, धन्यवाद।